के साथ भोपाल से खबर। बुंदेलखंड से एक और कांग्रेस विधायक इस्तीफा दे सकते हैं। जी हां, कयासों को बाजार गर्म है, इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल भी हो सकते हैं। दमोह विधायक राहुल लोधी बीजेपी में शामिल हो गए। बीजेपी के ऑपरेशन बुंदेलखंड में मंत्री भूपेंद्र सिंह की अहम भूमिका रही है। तो दमोह विधायक राहुल लोधी ने कहा कि स्वयं से वो इस्तीफा दे रहे हैं, स्वयं की इच्छा से, लेकिन इसके पीछे वजह उन्होंने यही बताई कि काफी समय से मेडिकल कॉलेज की मांग थी, लेकिन क्षेत्र का विकास नहीं हो पा रहा था, इसलिए उन्होंने सोचा कि बीजेपी के नेतृत्व में ही क्षेत्र का विकास हो पाएगा और उन्होंने इस्तीफा दिया। लेकिन बड़ा सवाल इसमें यह भी है कि आखिर क्यों ये रणनीति हो रही है बीजेपी की तरफ से, जो कि दावे तो किए जा रहे हैं कि 28 के 28 सीटें हम जीतेंगे। बहरहाल ये चुनाव से पहले ऑपरेशन बुंदेलखंड जो कि बीजेपी का, और ग्वालियर चंबल संभाग पर भी बीजेपी की नजर टिकी हुई है। तो भूपेंद्र सिंह की इसमें, मंत्री भूपेंद्र सिंह इनकी एक अहम भूमिका इसमें रही है। राहुल लोधी अचानक कांग्रेस से इस्तीफा देते हैं, बीजेपी में शामिल होते हैं, तो एक सोची समझी रणनीति की बीजेपी की और इसकी अहम भूमिका निभाई है मंत्री भूपेंद्र सिंह की ने, और क्या कुछ उन्होंने कहा है आइए आपको सुना। ऑपरेशन के प्रमुख भी हम उनको कह सकते हैं। भूपेंद्र सिंह जी, इस पूरे ऑपरेशन के बारे में अगर हम बात करें तो इससे ये कहा जा सकता है कि राहुल के आने के बाद से बाद बीजेपी और मजबूत होगी बुंदेलखंड में? देखिए, निश्चित रूप से राहुल जी युवा हैं, युवाओं में लोकप्रिय है और राजनीति की उनको जो एक लोकप्रियता है पूरे क्षेत्र में, उसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा और बुंदेलखंड में ताकत भारतीय जनता पार्टी की, मध्य प्रदेश में ताकत भारतीय जनता पार्टी की बढ़ेगी। सर, ये कहा जा रहा है कि राहुल लोधी और तरवल लोधी राम लक्ष्मण की जोड़ी है, तो राम आ गए लेकिन लक्ष्मण अभी नहीं आए हैं, तो वो भी उनके भी आने की कोई संभावना दिख रही क्या? देखिए, आज विजयदशमी है, विजयदशमी पे राम आए हैं तो अयोध्या तो पूरी होती है, तो सब अच्छा होगा। जब कोई शामिल होता है तो कुछ ना कुछ आश्वासन जरूर मिलता है, जैसे राहुल बता रहे हैं कि उनको मेडिकल कॉलेज जो उनका वादा किया था वो पूरा हो रहा है, लेकिन क्या जैसे प्रद्युम्न लोधी को निगम मंडल दिया गया था, क्या इस तरह का कोई कमिटमेंट है बीजेपी का? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में जो भी आता है वो किसी कमिटमेंट के साथ नहीं आता है, विकास ही उनका मुख्य रूप से लक्ष्य होता है और विकास को ध्यान में रखकर राहुल जी भारतीय जनता पार्टी में आए हैं, और इसलिए दमोह के विकास में कोई कसर बाकी नहीं रहेगी।